Assalamu alaikum khawateen o hazrat, welcome Zurich Zoo Animal Watchman Vlog. My name is Aves Bashir, ich wohne in Kaiserslautern. Ich bin Student of Informatics, Masters Informatics at Kaiserslautern. Bas theek hai itni, mere khayal se German kaafi hai, isse zyada bolunga to mera bhi muh tedha ho jayega aur aap logon ko bhi samajh nahi aayegi, to main jaldi jaldi bata deta hu maine kya bola hai. ये मेरा नाम वैस बशीर है, मैं कैसलॉट में रहता हूँ और मैं अभी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ जो कि अभी टी यू कैसलॉट में तलीम हासिल कर रहा है. काफ़ी ज़्यादा मैंने तशरीफ बयान कर दी है. सो जी गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं. जी आज का जो ब्लॉग है बड़ा ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज जो है फाइनली किधर गया जी? हाँ बस ठीक है जी, पढ़ा हुआ है. मुझे जी अपना यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉम मिल चुका है जो कि एक बड़ी ज़्यादा लक के ऊपर बात है क्योंकि मेरे से पहले 300 लोगों की लिस्ट थी लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि ये लक के ऊपर भी पूरा डॉम मिला है. तो अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली अपने डॉम की कीज़ लेने के लिए. अभी जी 9:45 हो चुके हैं और जो मेरी अपॉइंटमेंट है हाउस मास्टर के साथ वो 10 बजे की है. तो अभी बस 15 मिनट में ये जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे है. मुझे जो डॉम मिला है वो मिला है फॉरन सरासा के अंदर और अभी मैं जाऊँगा फिर कीज़ लूँगा और उसके बाद फिर शिफ्टिंग करूँगा. लेकिन शिफ्टिंग जो है मेरे ख्याल से मैं कल करूँगा क्योंकि आज मुझे पैकिंग भी करनी है सारी और उसके अलावा मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में है हमारे कैरियर फेयर. तो मैंने वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके अंदर वॉलंटियर किया हुआ है तो मुझे वहाँ पे जाके सारी चीज़ें भी देखनी है. तो इसलिए फिर जाके मतलब पहले मैं उधर जाऊँगा फिर मुझे एक दो चीज़ें और भी लेनी है, मतलब राउटर वगैरह भी लेना है क्योंकि यहाँ पर राउटर जो है आपको अपना लेकर आना पड़ता है जो कि मैं नहीं लेकर आया पाकिस्तान से. एक सिर्फ यही चीज़ थी जो रह गई है मैं नहीं लेकर आया, बाकी मैं हर चीज़ लेकर आया हूँ. तो जी अपना वो भी देने जाना है. तो अभी पहले निकलते हैं, चाबी पकड़ते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि अब हमने किधर जाना है. अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं खड़ा हूँ अपने डॉम के अंदर और मैं इसका जो फुल टूर है वो मैं आपको करवाऊंगा. लेकिन इस डॉम की जो एक बात अच्छी मुझे नहीं लगी वो एक बात ये है कि ये चौथी मंजिल पे डॉम है और 4 मंजिला चढ़ के आना पड़ेगा आपको इस डॉम में रहने के लिए. और लेकिन चले जहाँ पे ये बुरी बात है एक किस्म की, वहाँ पे एक अच्छी बात भी ये है कि चौथी मंजिल पे है और यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत प्यारा है. तकरीबन हर चीज़ यहाँ से ना नीचे नीचे नज़र आ रही है और मैं ऊपर ऊपर नज़र आ रहा हूँ, मतलब यानी कि ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई नीचे का चल रहा है ओके सब कुछ. तो जी अभी बस ये है कि मुझे अपना फाइनली अपना जो फितराग है उसको साइन वगैरह करके यहाँ के जो हाउस मास्टर है उसको देना है और उसके बाद मुझे कीज़ मिल जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैं इस डॉम का पूरा कंप्लीट एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि डॉम में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलती. तो अभी पहले साइन करते हैं फिर जाते हैं हाउस मास्टर के पास. सो गाइस फाइनली जी अभी कीज़ वगैरह हमने ले ली हैं और अब मैं जा रहा हूँ अपना राउटर लेने के लिए क्योंकि जो अपार्टमेंट है उसके अंदर जो राउटर होता है वो आपने अपना लगाना होता है. तो अभी डॉम के अंदर जो राउटर है वो मैं लेने जा रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन फेसबुक पे एक ऐड देखी थी और अब मैं जा रहा हूँ उस एड्रेस पे और वहाँ जाके पहले राउटर पकड़ते हैं. गाइज अभी हम लोग उतर चुके हैं अपना मैखन बाग जो कि काइज़रस्लाउटर्न से तकरीबन काफ़ी दूर है. डिस्टेंस नहीं मुझे पता एग्जैक्टली कितना है. अभी हम इस शहर में आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ये जो शहर है ये विलेज की तरह की वाइब्स दे रहा है.
लेकिन यह है कि यहाँ पे हमने आके अपना जो राउटर है वो उठाना है। अल्लाह करे कि वो अब हमें मिल जाए, लेकिन अभी आइडिया कोई नहीं है, जाके देखते हैं कि क्या बनता है। तो अभी चलते हैं और फिर देखते हैं। आज गाइज अभी जो है मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी और फाइनली मुझे राउटर मिल चुका है और जो कि मैंने बैग में डाल लिया। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि मैंने यहाँ पे वॉलंटियर किया हुआ है, यहाँ पे जो कैरियर फेयर चल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट आया हूँ यहाँ पे, तकरीबन एक घंटे का सफ़र फिर दोबारा करके वापस, और अभी हम जाएँगे और फिर देखेंगे क्या सीन है वहाँ पर कैरियर फेयर के अंदर। तो चलिए चलते हैं कैरियर फेयर। गाइस हम लोगों ने अपने जो है ना कपड़े चेंज कर लिए हैं, और ये जो टी शर्ट है और ये मेरा नेम टैग लगा हुआ है, और हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर हैं। जो कैरियर फेयर की आपने वीडियो देखी उसके अंदर हम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, चीज़ें चीज़ें देख रहे हैं कि हर चीज़ ओके चल रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी बिल्डिंग पर, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर भी चीज़ें ओके चल रही हैं कि नहीं। गाइस फाइनली अभी हम लोग दूसरी बिल्डिंग में खड़े हैं और मैनेजमेंट में होने के यही फ़ायदे होते हैं कि आपको यहाँ मुफ्त की चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स, काफ़ी ज़्यादा ब्रेड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको फ्री में दे रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कुछ ओके चल रहा है, और ये भी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे डिनर के लिए। तो अभी मिलते हैं फिर आपको यहाँ से, फारिग हो गए डिनर के अंदर। वो काम का वॉलंटियर का वो ख़त्म हो चुका है, और अभी हम लोग जो हैं बकबार यूनिवर्सिटी का लॉन है उसमें लेटे हुए हैं और धूप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इट वॉज मेहनत वाला काम था, तो हमने वो कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 4:20, और जो हमारा डिनर है इनके साथ वो है शायद अराउंड 7 के पास, और फिर हम उसमें जाएंगे और ज्वाइन करेंगे। बट अभी हम ज़रा लेट के मौसम इंजॉय करते हैं। गाइस फाइनली जी मैं उस टाइम रेस्ट कर रहा था, और फिर वहाँ से मैं अपने दोस्त के हॉस्टल पे चला गया, और अभी जो है मैं दोस्त के हॉस्टल से आ गया हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ फाइनली लोकेशन के ऊपर। तो अभी यहाँ से जो लोकेशन है जहाँ पे ये मतलब डिनर थोड़ा सा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, वो यहाँ यूनिवर्सिटी से तकरीबन 3-4 की दूरी पर है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हम लोग अपने डिनर की लोकेशन पे आ चुके हुए हैं। ये इस जगह का नाम है जमर हाउस, और ये उन्होंने हमें मेन्यू दे दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ के अब ऑर्डर करना है, और ये सारा मेन्यू जर्मन में लिखा हुआ है। जर्मन टीचर ने हमें जो जर्मन पढ़ना तो सिखाई है, अभी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और फिर रेस्टोरेंट पर ऑर्डर करेंगे। और आज हम लोग पहली बार जो है इंग्लिश डिनर करेंगे। 7:10 है, और इस टाइम फुल धूप निकली हुई है, और हमें नहीं पता कि फुल धूप के अंदर कौन सा डिनर होता है, लेकिन आज हम पहली बार करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि धूप में डिनर कैसा होता है और इंग्लिश डिनर कैसा होता है। सो अभी हम लोग ऑर्डर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। सो हमारा जो है अभी सेकंड यूरोपियन डिनर आ चुका हुआ है। अभी तो खैर उन्होंने सिर्फ सलाद वगैरह ही दी है, और अभी जो हमारा मेन कोर्स है वो भी आ रहा है। अभी वो भी आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। मेन कोर्स आ चुका हुआ है, ये है मशरूम्स,
और उस साइड पे जो है ये पड़ी हुई है फिश, कॉड फिश, और ये साइड पे कॉड फिश है और साथ ये थोड़ी सी ड्रिंक है। और ये यहाँ पे यूरोपियन जो हमारा वो डिनर चल रहा है, तो अभी खा के हम आपको बताते हैं कि ये हम कैसा लगा हमें। सो गाइस, डिनर करने के बाद ना मुझे इन लोगों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, इन जर्मन लोगों की, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया कि मुझे जो हमने मशरूम्स मंगाए थे, जो उस मशरूम की डिश थी वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और हमने इनसे कहा कि हमें ये अच्छी नहीं लगी तो क्या हम फिश को दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मसला ही कोई नहीं। हम समझ रहे थे शायद ये जो भी कंपनी का जो हमें डिनर मिल रहा है वो शायद फ्री में है, तो क्या पता वो शायद एक ही बार हो, क्योंकि हमने हमारे मुल्क में तो एक ही बार होता है, लेकिन क्या करें ये जो है दो दो मरतबा देते हैं, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार लो। और अभी हमने ये ड्रिंक्स भी दूसरी बारी मंगवाई है, क्योंकि है ही इतनी अच्छी, क्या करें हम। और अभी हम लोगों ने वो फिश पॉट दोबारा हमने मंगवाया है, अगर वो भी आएगा तो फिर हम उसको खाएँगे और फिर हम लोग यहाँ से तितर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो फ्री की चीज़ होती है ना, फिर बंदा बैठता अच्छा भी नहीं लगता ना, पता पैसे थोड़ी देते हैं, अब यहाँ से खाना फिर हमने निकल जाना है। फाइनली जी, हम लोगों ने अपना डिनर वगैरह कर लिया है, बहुत ही अच्छा डिनर था जर्मन, आज हमने पहली बार जर्मन डिनर किया है इन लोगों के साथ, और हमें बड़ी अच्छी वाइब्स आई, बड़ा ही इन लोगों का नाइस और अच्छा अखलाक है, बड़ा ही इन्होंने अच्छी तरह हमें ट्रीट किया। और अगर हम देखें तो ये जो हमारा ट्रिम पंक था, जो ट्रिम पंक है बहुत औखा नाम है ये, इसको स्पॉन्सर किया था KPMG ने, जो कि जर्मनी का और मेरे ख्याल से वर्ल्ड का पूरा चार बड़े कंपनी, चार बड़े नाम हैं ये, और ये लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस और IT के अंदर ये लोग कंसल्ट करते हैं, और जो कि हमें बड़ा ही अच्छा लगा, उन्होंने हमारा ये सारा कैरियर का जो था इवेंट उसको स्पॉन्सर किया था। और अगर मैं अपने खाने की बात करूँ तो तकरीबन 100 यूरो का तो मैंने ही खाया अकेले, बाकियों का मुझे नहीं पता, जो कि एक बड़ा ही अच्छा मतलब है, तकरीबन 30 से 35 यूरो की तो सिर्फ मैंने ड्रिंक्स ही पी हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन कोर्स था, स्टार्टर में हमें सूप दिया उन्होंने, फिर हमें सैलड दिया, फिर हमने फ़िश, राइस और पता नहीं क्या क्या था, बहुत ही अच्छा था। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो जी, मैंने वहाँ पे जो था उस टाइम सीन कट कर दिया था, और अभी हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं अपनी, जो हमारा डिनर था वो यहाँ पास में था, यूनिवर्सिटी के पास ही एक रेस्टोरेंट है। तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि जाके मुझे शिफ्टिंग वगैरह के लिए अपनी सारी सामान को पैक करना है, और फिर मुझे आज जो मुझे डॉम मैंने आपको दिखाया सुबह, जिसकी मैं चाबी लेकर आया हूँ, उसमें मुझे शिफ्टिंग करनी है, तो मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है उसको हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आस पास सफाई रखें जैसे कि ये लोग रखते हैं, और देखना ना भूलिए अवैस बशीर व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।